झड़बिड़ी पाल्डो, मैं संवाददाता आदित्य माधव बाजगी, कैमरामैन हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आर्यु प्रतीक सर, जिला परिषद उच्च प्राथमिक पाठशाला पाल्डो जो चंद्रपुर जिले के नहीं तो पूरे महाराष्ट्र की 365 दिन चलने वाली पाठशाला है। आज इस पाठशाला को एडिशनल सीओ विजिट देने के लिए आए, तो आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर सुभाष पवार है और मैं चंद्रपुर जिला परिषद में एडिशनल सीओ करके कार्यरत हूँ। सर, जिला परिषद उच्च प्राथमिक पाठशाला पाल्डो जो तेलंगाना महाराष्ट्र के सीमा लगत बैठी हुई पाठशाला है, यह अति दुर्गम भाग में बैठी हुई पाठशाला है, तो यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत प्रसन्न लग रहा है। ड्यूटी में आने के बाद अगर कोई पाल्डो में नहीं आता है तो मैं कहूँगा कि वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति होगा कि इतनी अच्छा स्कूल यहाँ पर है और 365 दिन पूरे साल में चलती है और सब विद्यार्थी एक दूसरे को पढ़ाते हैं। अगर टीचर नहीं है या टीचर को दूसरा कुछ काम है या फिर भी अगर टीचर होने के बावजूद भी स्टूडेंट एक दूसरे को पढ़ाते हैं, तो ये बहुत ही अजीब सी संकल्पना है और बहुत अच्छी तरह से यहाँ से चल रही है। सर, अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं, तो क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी स्कूल को बंद करने नहीं जा रही है, बल्कि गवर्नमेंट अपने स्कूलों को प्रोत्साहन दे के और हर स्कूल को आपके स्कूल के जैसे बनाना चाहती है। सर, तो कि अगर सरकारी स्कूल बंद हो गई तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा या घटेगा? सरकारी स्कूल बंद होने वाली नहीं है तो फिर बढ़ने या घटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हमारे स्कूल को अभी तक कंपाउंड नहीं बनाए सर, इसलिए आप क्या प्रयास करेंगे? इसके बारे में आपके मुख्याध्यापक प्रतीक सर है, वो तो बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं। पिछले 18 साल से वो यहाँ स्कूल चला रही है, सब स्कूल उन्होंने ये डेवलप की है, तो उनकी तरफ से भी जब चर्चा में हमारी चर्चा चल रही थी, उन्होंने भी इस बात की मांग की कि हमारे स्कूल को स्कूल कंपाउंड देनी चाहिए, तो हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपके स्कूल को कंपाउंड मिलना चाहिए। सर, अगर किसी तरह से आप यह काम नहीं कर पाए तो? ये आपका सवाल बहुत जायज है, लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि हम आपके स्कूल को कंपाउंड मिलना चाहिए। सर, जिला परिषद चंद्रपुर जिले में कुछ ऐसी जिला परिषद पाठशाला है जहां पर बहुत सारे टीचर नहीं है बल्कि एक ही टीचर है, तो कभी उनको काम आ जाते हैं और वह बाहर जाते हैं, तो उस समय बच्चों का शिक्षा का स्तर बहुत कम हो जाता है, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? ये इसके लिए अभी ऐसा है कि जैसे आपकी स्कूल अच्छी 365 दिन चलती है और मैंने पहले बोला कि आपके स्कूल में सब बच्चे एक दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसी तरह से उस स्कूल में बच्चे दूसरे को पढ़ाने के लिए हम तैयार करने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि हर स्कूल में कम से कम दो टीचर रहें। सर, अगर वह स्कूल बहुत बड़ी हुई और वहाँ के बच्चों की संख्या ज़्यादा हुई तो? बड़ी हुई तो बहुत अच्छी बात है ना, बच्चों की संख्या ज़्यादा बढ़ी तो टीचर की संख्या भी बढ़ेगी, टीचर की संख्या अपने बच्चों की संख्या के ऊपर डिसाइड होती है। सर, जब आप यहाँ स्कूल से जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो लगता है स्कूल से जाना ही नहीं चाहिए। मैं अभी एक घंटा हुआ है मैं यहाँ पे हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि यहाँ से स्कूल से जाना चाहिए, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन मुझे बहुत मेरी से जो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है और मुझे यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई, मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं हर जगह पे जाके आपके स्कूल का नाम और आपके स्कूल में चलने वाली एक्टिविटी सबको बताऊंगा और सबको सबसे अनुरोध करूंगा कि वो हर एक बच्चा को लेके अपने स्कूल में आए और यहाँ स्कूल पे विजिट करें। सर, आप मान लो कि आप एक टीचर हो तो इस पाठशाला में पढ़ाने के लिए आते या नहीं? मैं तो डेफिनेटली मुझे बहुत यहाँ पे आने के बाद बहुत सुकून मिलेगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि यहाँ के स्कूल में आके मुझे पढ़ने के लिए मौका मिले। सर, आप जेडपी टीवी के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जेडपी टीवी के माध्यम से लोगों को यही मेरा कहना है कि आप एक बार आके जिला परिषद की आदर्श स्कूल किस तरह से काम करती है या आप खुद देखिए और अपना बच्चा भी यहाँ के स्कूल में डालने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका बच्चा भी बहुत ऑलराउंड डेवलपमेंट उस बच्चे की होगी और आपका बच्चा पढ़ाई में भी आगे जाएगा, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी और बहुत सारा एक्सपोजर आपके बच्चों को मिलेगा। मैं संवाददाता आदित्य माधव बाजगिर, कैमरामैन हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आर्यु प्रतीक सर।